मेरे ख्याल से इसी बात पे पिछली क्लास में मैंने लास्ट के 10-15 मिनट तक लेक्चर दिया था कि आपको मैथमेटिक्स सीखना है और ये अगर आपका टारगेट है कि जो टेस्ट में आए और उसको क्रैक करें तो उसके लिए मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा। और सीखने का तरीका होता है कि आराम आराम से सब्र रख के आप क्वेश्चंस करें। नहीं तो एक तरीका हुआ कि भाई हाँ बता दिया 2:3 हुआ तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर दूसरा देखा जाएगा, तो उससे फिर कभी आप सीख नहीं पाएंगे। तो आराम से आप करिए। और उस दिन बताया भी था कि आपको बहुत ज्यादा, जैसे मोस्टली जो बच्चे गलती करते हैं वो सोचते हैं कि भाई कहाँ एक चैप्टर है और उसमें हम 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन कर लेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, और इस वजह से जल्दी जल्दी में 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन कर लें, एनसीईआरटी भी कर लें, आरडी शर्मा भी कर लें, पैकेज मिला वो भी कर लें। तो ऐसा नहीं है, वो मैंने सीधे से बहुत क्लियर अल्फाज में कहा था कि 100 क्वेश्चन से कभी भी चैप्टर की क्लियरिटी नहीं आएगी, आप 20 क्वेश्चन ढंग से करें खुद समझ के तो फिर वो ज्यादा बेहतर है जल्दी जल्दी में 100 क्वेश्चन कर लेने से, जिससे कुछ लर्निंग आपको कुछ हासिल नहीं हो। तो हर एक पॉइंट को रिकॉल कर करके जो वहां पे आप जो फिगर बनाए हैं, अगर ट्रायंगल की बात हो रही है तो ट्रायंगल के बारे में सारी चीजें सोच करके रिकॉल करके आप खुद से कंसेप्ट रिकॉल करिए और देन कैलकुलेशंस करिए। तो एक दिन में आप 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करें खुद से, वो बेहतर है बजाय 50-30-40 क्वेश्चन करने से। ट्रायंगल बताया था लास्ट टाइम पे। हाँ जी, अरे बात बात बंद कर लीजिए, मैं अभी बोल लूं। तो देखिए लास्ट टाइम पे ट्रायंगल के बारे में बताया गया था और कहा गया था कि हर फिगर के बाउट, हाँ जी तो ये बताया था कि जितने भी प्लेन फिगर हैं उसमें क्वेश्चंस बेसिकली दो टॉपिक पे ही बने, एक पेरिमीटर और एरिया पे। तो ट्रायंगल के पेरिमीटर निकालने का, पेरिमीटर यानी कि बाउंड्री लेंथ, ये बताया गया था a+b+c, और देन पेरिमीटर से ही एक टर्म डिफाइन हुआ था सेमी पेरिमीटर। सेमी का मतलब ये होता है आधा, तो एस से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होता है a+b+c/2, सही ना। देन एरिया की बात करें तो एरिया मैंने क्या बताया था कि दो कंसेप्ट है कि वो डिपेंड करता है कि हमें ट्रायंगल के अबाउट क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर बाय द वे तीनों साइड्स दिया हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं और तब एरिया का फॉर्मूला लगेगा √S s-a s-b s-c से, कब के जब दोनों साइड दिया होता। लेकिन जरूरी नहीं है कि तीनों साइड पे ही हम एरिया कैलकुलेट कर सके। अगर बाय द वे दो साइड मालूम हो और उनके बीच का एंगल पता हो तब भी हम एरिया निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया कि ये दोनों साइड दिया है तो मस्ट है कि उस वक्त ये वाला एंगल देगा जो कि एंगल बी कहलाएगा। तो अगर ये साइड्स और ये एंगल दिया है तो एरिया बनता है हाफ AC और बीच में जो एंगल है उसके साथ, सही ना। और वो कोई भी दो साइड पे निकाल सकते हैं। बाय द वे ये साइड दिया होगा तो उस वक्त का ये एंगल देगा, सेम वही प्रोसीजर लगाएंगे। अब क्या होगा, हाफ AB साइन ऑफ C, या B और C साइड दिया होगा तब बनेगा हाफ BC साइन ऑफ। तो यही बेसिकली दो फॉर्मूला बताया गया था एरिया कैलकुलेट करने का, कि किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो बस इसी दो कंसेप्ट से एरिया निकाल सकते हैं। तो ये बातें हो गई थी। अब जो अगला फिगर है दैट इज पैरेललोग्राम। हाँ बोलिए। सेकंड वाला फॉर्मूला जो कि साइन फॉर्मूला कहलाता है, और फॉर्मूला ये है, हाँ जी, कि अगर दो साइड कोई भी दिया जाए और उन दोनों साइड के बीच का एंगल दिया जाए तो एरिया बनता है हाफ दोनों साइड का मल्टीप्लाई और जो बीच में एंगल है उसका साइन। जैसे ए और सी दिया हुआ है तो हाफ AC और जो बीच में एंगल है उसके साइन की वैल्यू बी है, सही। अब मे भी ये दोनों साइड दिया हो तो जब ये साइड दिया होगा तो उस वक्त इस एंगल की जरूरत पड़ेगी और तब कैसे निकालेंगे, तो हाफ दोनों साइड का मल्टीप्लाई यानी कि AB और बीच वाले एंगल का साइन। क्या यही पूछ रहे थे या
कैसे आया ये पूछना चाह रही हूँ। नहीं नहीं, साइन की वैल्यू लिखना पड़ेगा, जैसे 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है तो साइन 30, या 60 का दिया हुआ है तो साइन 60, वो लिखना पड़ेगा। ना ड्राइवी कोई खास बात नहीं है, एक लाइन का है, बता दे रहा हूँ, सुनिए, एक लाइन का ही है, वो भी बता दे रहा हूँ अगर पूछ दिया तो। देखिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और मान लिया कि ये परपेंडिकुलर एम पे पड़ा, सही है, तो एरिया के लिए तो ये पड़ा होगा कि हाफ बेस इंटू हाइट, नहीं, हाइट का मतलब वही परपेंडिकुलर हाइट, क्लियर ना। तो चलिए, हाफ बेस इंटू हाइट वाला कंसेप्ट ही लगाएंगे। बेस लेंथ पता है कितना है? बेस लेंथ ए है, यही तो बेस लेंथ दिया हुआ है ए। अब देन बात करें हाइट का, यानी कि ये ए एम, तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें इस एंगल के रेफरेंस में देखें तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, और जबकि ये बेस नहीं, तो क्या हम इसमें कह सकते हैं कि ए एम अपॉन सी, ए एम इज परपेंडिकुलर एंड सी इज हाइपोटेन्यूज, नहीं हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज कितना होता है, साइन ऑफ दिस एंगल, यानी के साइन बी, तो इस तरीके से एम की वैल्यू कितना हो गया, सी साइन बी, सी साइन बी हो गया। अप्लाई करिए एम की वैल्यू, तो हाफ बेस कितना है ए, एम कितना आया सी साइन बी, देखिएगा क्या वही फॉर्मूला आ गया, नहीं, तो बस यह है कि उसी को कंक्लूड करके बता दिया गया कि दोनों साइड का मल्टीप्लाई करना है और बीच में जो एंगल है उसी के साइन लगा देना, क्लियर। चलिए, तो बेसिकली थ्री साइडेड से शुरू हुआ था यानी कि ट्रायंगल, अब हम बात करने जा रहे हैं फोर साइडेड यानी कि पैरेललोग्राम, इसे क्वाड्रिलेटरल दिया जाता है, तो हम अभी स्पेशल केस पैरेललोग्राम अलग पढ़ा। तो देखिए, पैरेललोग्राम क्या होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, यानी कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसमें एडी के पैरेलल में बीसी हो एज वेल एज एबी के पैरेलल डीसी हो, तो उसको ही हम कहेंगे पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया? क्या कि सिर्फ डेफिनेशन सिर्फ इतना है कि अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो इसका मतलब पैरेललोग्राम। अब पैरेलल होने की वजह से कई सारी प्रॉपर्टीज अपने आप उसमें ऐड हो जाएंगी, जैसे पहली बात कि अपोजिट एंगल भी सेम हो जाएंगे, एंगल ए के बराबर एंगल सी हो जाएगा और एंगल बी के बराबर ही एंगल डी हो जाएगा, हो गया क्लियर? ये कैसे बता दीजिए, वर्टिकली अपोजिट, यहां से तो सीधे नहीं पहुंच गए वहां पे, एक मिनट देख लेते हैं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, अपने बस नॉलेज के लिए सिर्फ मार्क कर दे रहा हूं। यहां पे देखिए, दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये तो पढ़ा होगा कि ये एंगल अगर थीटा माना जाए तो ये एंगल भी थीटा होता है, कि दो पैरेलल लाइन है जिसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो इस एंगल के बराबर ही ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। फिर से देखें तो एक लाइन ये है, उसी के पैरेलल में एक लाइन ये है, दो पैरेलल लाइन, और अगेन एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल भी सेम होगा, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा, और उसका अपोजिट एंगल ये कितना हुआ, थीटा, तो थीटा ये माना गया, वहां भी देखिए थीटा आ गया। इसी तरीके से इस एंगल को अल्फा मानिए, वहां भी अल्फा आ जाएगा। तो डेफिनेशन में तो सिर्फ इतना था कि अपोजिट साइड की पैरेलल होने चाहिए, और अपोजिट साइड पैरेलल होने की वजह से अपने आप अपोजिट एंगल भी सेम हो जाएगा, और दूसरी बात कि अपोजिट साइड का लेंथ भी सेम हो जाएगा, यानी कि जितना लेंथ एडी का है उतने ही बीसी होगा और एबी के बराबर ही डीसी होगा। हो गया, ये बात क्लियर हो गई? चलिए, पहले दो ही बात नोट करिए फिर आगे बात करते हैं। और कौन सा एंगल ए एंगल सी बराबर कैसे हुआ? देखिए, पैरेललोग्राम में था कि ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये एंगल अगर थीटा माने तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है, वो भी थीटा होगा, तो ये थीटा माना गया, यहां थीटा आ गया, समझ में आ गया। फिर से इसके पैरेलल ये एक लाइन है जिसको एक ट्रांसवर्सल कट करता दिख रहा है, नहीं, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा थीटा होगा, और फिर इसके अपोजिट में ये है, अपोजिट एंगल भी तो सेम होता है ना, तो इसका मतलब ये थीटा एज्यूम किया गया और वाला भी थीटा आ गया। उसी तरीके से आप यहां पे भी कुछ एंगल मानेंगे तो अपोजिट में वही सेम आ जाएगा, है सही है? ठीक है, हो गया।
वैसे तो पैरेललोग्राम का एरिया और पैरामीटर ही पढ़ना है हर फिगर में, लेकिन हाँ सिर्फ उतने से काम चलेगा नहीं, बाकी ये सारे जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त काम आएंगे। कि डेफिनेशन में तो सिर्फ इतना था, क्या क्या था डेफिनेशन में, अपोजिट साइड पैरेलल हो तो वही पैरेललोग्राम होगा, और अपोजिट साइड पैरेलल की वजह से ये सारी बातें उसमें ऐड होगी, अपोजिट साइड के लेंथ भी हमेशा सेम होगा, अपोजिट एंगल भी सेम होगा, सही ना। दूसरी बात, क्या अगर कोई एक डायगोनल ड्रॉ करें तो वो हमेशा पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में बांटेगा और वो दोनों ट्रायंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी के एक डायगोनल से ट्रायंगल एबीसी बन रहा है और एक ट्रायंगल सीडीए बन रहा है, दे विल बी ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। चेक कर लीजिए कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है कि नहीं, एबी के बराबर सीडी है और बीसी के बराबर डीए है और तीसरा साइड कॉमन दिख ही रहा है, तो तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड मैच कर गया, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गया, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या, हर लिहाज से वो सेम हो गया, आइदर पैरामीटर वाइज बात करें या एरिया वाइज बात करें, सारी चीजें मैच करेंगे, सही ना। और जब दोनों डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा और साथ ही साथ पूरे पैरेललोग्राम को चार इक्वल एरिया में बांट देगा, यानी कि दो डायगोनल ड्रॉ किया, मान लिया एम पे पड़ रहा है, तो बाइसेक्ट करने का मतलब के ए एम लेंथ के बराबर ही एम सी लेंथ होगा और बी एम के बराबर ही एम डी लेंथ होगा हर पैरेललोग्राम में, कि जब दोनों डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। और दूसरी बात, मैंने कहा कि ये पूरे पैरेललोग्राम को चार ट्रायंगल में बांटेगा, चारों का एरिया हमेशा सेम रहेगा, यानी के एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम बी के बराबर ही होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम सी एंड दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एम डी और उतना ही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एम ए, सही लिखा है क्या, ए एम बी बी एम सी और सी एम डी और डी एम ए, चारों ट्रायंगल का एरिया हमेशा सेम रहेगा। कौन ए एम डी एम के बराबर, नहीं नहीं एरिया सेम होने का, हाँ बता रहा हूँ सुनिए, क्यों मैंने कहा कि जब भी दो डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा और चार इक्वल एरिया में बांटेगा, हाँ लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि चारों के एरिया सेम है, ये नहीं कि ये चारों कॉन्ग्रुएंट है, मैंने कहा कि एक जब डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटेगा, लेकिन जब दोनों डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो चार पार्ट में बंटता है, वो चारों कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, कॉन्ग्रुएंट इसमें अपोजिट पेयर होता है, इसके साथ ये कॉन्ग्रुएंट होगा, इसके साथ ये कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन एरिया चारों का ही सेम होगा, सही है। कॉन्ग्रुएंट होना और एरिया सेम होना दोनों में फर्क है, देख लीजिए एक ट्रायंगल का मान लिया कि बेस यहां पे दो रखें हाइट तीन रखें, जो भी एरिया दे, अगर हम बेस एक रख दें और हाइट छह रख दें एरिया तो सेम ही देगा, एरिया कैसे आता है, हाफ बेस इंटू हाइट से, तो इसमें एरिया कितना बनेगा थ्री और इसमें एरिया कितना बनेगा थ्री, तो एरिया तो सेम है लेकिन क्या कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं ना, तो वही करूं कि यहां पे एरिया सेम होंगे लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट इसमें अपोजिट पेयर होगा, इसके साथ ये और इसके साथ ये, यानी के ट्रायंगल ए एम बी और ट्रायंगल सी एम डी ये एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, और साथ ही साथ ट्रायंगल बी एम सी और ट्रायंगल बी एम सी और ट्रायंगल डी एम ए ये भी कॉन्ग्रुएंट है, बी एम सी और डी एम ए ये कॉन्ग्रुएंट है, सही है। कैसे चेक कर लीजिए, मैंने कहा कि ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये एक साइड इससे मैच कर रहा है और ये वाली साइड की लेंथ इससे मैच कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा था तो लेंथ इक्वल ही तो थे, अब ये दो साइड इधर के दो साइड से मैच कर रहा है और एंगल्स तो सेम होंगे ही, या कह लीजिए कि तीसरे साइड की भी लेंथ सेम है मैच हो गया, कि दो साइड और ये तीसरा साइड भी मैच कर रहा है, इसका मतलब इसके साथ ये कॉन्ग्रुएंट, फिर इनमें कंपेयर करें तो अगेन देखिए तो ये वाली साइड से ये मैच कर रहा है, फिर एक साइड से ये मैच कर रहा है और फिर ये वाली साइड से ये मैच कर रहा है, अरे है या नहीं है, तो फिर ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो ही गया, हाँ लेकिन ये और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, और कॉन्ग्रुएंट ना होने के बावजूद भी एरिया सेम है,
कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा। उसका वजह क्या है वो ट्रिगोमेट्री में आपको सिखाया जाएगा। थोड़ा सा अगर ट्रिगोमेट्री पढ़े होंगे तो आइडिया लग जाएगा। ट्रायंगल ए एम बी में जरा बात करते हैं, एरिया आएगा हाफ ए एम लेंथ इंटू बी एम लेंथ इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। क्या कर रहे हैं? एरिया किसका? देखिए ए एम बी के बराबर सी एम डी तो होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है तो वो तो नेचुरली इक्वल होना है। हाँ, लेकिन ए एम बी के बराबर इसका एरिया होना ये अभी थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन मैंने कहा एरिया सेम होगा। वही एरिया निकाल के दिखा रहे हैं कि इसके एरिया में साइन फॉर्मूला लगाए तो हाफ ए एम इंटू एम बी इंटू साइन थीटा आएगा। नहीं, अब ट्रायंगल बी एम सी में चलिए, उसमें क्या आएगा भाई? तो हाफ बी एम लेंथ इंटू एम सी लेंथ और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी कि ये पता है कि ये थीटा माना गया तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा, होगा ना? तो यहां पे आ जाएगा साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। क्लियर? अब इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं तो हाफ तो है, मैच कर ही रहा है। ए एम के बराबर थोड़ा उल्टा लिख दे रहा हूं, जो भाई एम सी आई इंटू बी एम लिख सकते हैं क्या इस वाले ट्रायंगल में? सी एम इंटू बी एम, तो ए एम के बराबर एम सी है, ये तो दोनों मैच कर ही रहा है, बी एम भी सेम है। अब एक में आ रहा है साइन थीटा, दूसरे में आ रहा है साइन 180 माइनस थीटा, और ये ट्रिगोमेट्री में सिखाया जाएगा कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के ही बराबर होता है। नहीं, साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो इसलिए ये वाली वैल्यू भी मैच कर गई, तो सारी चीजें मैच कर गई, एरिया सेम दे देगा। अरे क्लियर है? तो पेयर अपोजिट होने की वजह से इसके बराबर इसका एरिया तो होगा, और फिर हमने प्रूफ कर दिया कि इसका एरिया भी आपस में सेम है, और जितना इसका होगा उतना इसका होगा, इसका मतलब कि चारों ट्रायंगल का एरिया सेम हो जाएगा और कॉन्ग्रुएंट होंगे सिर्फ अपोजिट पेयर। तो बस इतनी प्रॉपर्टीज हैं जो याद रख के चलना है, नोट करिए इसको। अब बात करें मुद्दे वाली बात के, हमें जो सवाल पूछा जाएगा वो तो एक पैरामीटर पे। हाँ जी, पैरेललोग्राम पैरामीटर क्या था भाई? सम ऑफ बाउंड्री लेंथ, ठीक है ना? तो मान ले ये ए है, ये बी मान लें, सी मान लें, कोई गधे ने बोला सी, अभी क्या पढ़ा था इधर से किधर? अपोजिट साइड की लेंथ सेम होगी, ए अगर माना गया तो ये ए ही होगा और ये बी होगा, सही है? तो पैरामीटर होता था बाउंड्री लेंथ, और पूरे बाउंड्री लेंथ आप सीधे सीधी जोड़ दीजिए 2a प्लस 2a, पैरामीटर की बात खत्म हो गई। मेन बात है कि एरिया कैसे निकाला जाए, आप सुनते रहिए। तो एरिया के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि पैरेललोग्राम का साइज कैसे बताया जाएगा, कि ताकि उसके हिसाब से उसके करेस्पॉन्डिंगली हमारे पास मेथड पता हो। तो ये पिछली क्लास में भी कहा था कि किसी भी फिगर का साइज बताने के लिए हमेशा मिनिमम इंफॉर्मेशन देता है, और कुछ स्टैंडर्ड तरीके होते हैं, कभी भी वो बातें रिपीट करके नहीं देगा, तो यानी कि एक इंफॉर्मेशन और उसी का रिपीटेड दूसरे तरीके से बोले, ऐसा नहीं होता है। तो हमेशा मिनिमम इंफॉर्मेशन दी जाएगी जिसमें रिपीटेड नहीं होगा, और कुछ स्टैंडर्ड तरीके होंगे जिससे साइज बताया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल पैरेललोग्राम में अगर हम देखें तो उसमें साइड लेंथ के एक रोल है साइज बताने के लिए, नहीं साइड लेंथ से ही तो डिसाइड होगा। लेकिन क्या हम अपोजिट साइड की लेंथ बता दें तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि पैरेललोग्राम कितना बड़ा है? जैसे अगर मैं कह दूं कि अपोजिट साइड की लेंथ 10 है तो उसे पैरेललोग्राम का साइज हो जाएगा क्लियर? नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड लेंथ 10 दे दें और मान लिया कि ये एक पैरेललोग्राम बना 10-10 लेंथ पे, तो अब यह इतनी ही साइड लेंथ होते हुए एक अलग बड़ा सा बन गया और फिर एक और उससे बड़ा बन गया, तो इसका मतलब सिर्फ अपोजिट साइड से ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि पैरेललोग्राम कितना बड़ा है ना? हाँ, लेकिन अगर अपोजिट साइड की लेंथ दें और साथ ही साथ उनके बीच का सेपरेशन भी बता दें,
तब तो साइज फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा टेंथ में कि जैसे ट्रायंगल की बात की जाए तो अगर बेस लेंथ फिक्स हो गया और हाइट की लेंथ फिक्स कर दी जाए एरिया सेम देता है। ये मैटर नहीं है कि ऊपर वाला वर्टेक्स आप यहां पे रख रहे हैं या स्लाइड करके इधर ले जा रहे हैं या इधर ले जा रहे हैं। ये पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइन सेगमेंट के बीच में ट्रायंगल का एरिया सेम बेस पे ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। yes, नहीं yes, पैरेलोग्राम में भी तो वही पढ़ रहे हैं कि एक डायगोनल से ट्रायंगल जो बनता है उसका डबल एरिया देता है। तो मैंने कहा कि अगर अपोजिट साइड की लेंथ 10 कर दें और उनके बीच की हाइट 5 कर दें तो चाहे वो साइड को इधर इधर खिसकाते रहें एरिया पे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो साइज या एरिया कैसे डिसाइड हुआ कि सिर्फ अपोजिट साइड से तो काम नहीं बनेगा, उसके बीच में सेपरेशन भी हाइट भी दे दिया जाए तो एरिया फिक्स हो जाएगा। नहीं तो साइज बताने का एक स्टैंडर्ड तरीका में ये भी है कि किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड की लेंथ बता देगा, जैसे कह देगा कि ये वाली साइड लेंथ बी है, ऑब्वियसली ये भी बी होगा, और देन उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि एच बता देगा और तब कह देगा कि एरिया बताइए। तो उस केस में एरिया बनता है बी इंटू एच। और कैसे बनता है ये मेरे ख्याल से इतना बता देने के बाद आप बहुत इजीली बता सकते हैं। देखिए तो एक डायगोनल ड्रॉ करें तो दो इक्वल एरिया बांटता है, ये तो पढ़ाई है। तो निचले ट्रायंगल का एरिया का डबल कर दें तो पूरा आ जाएगा। सिर्फ ट्रायंगल पे फोकस करिए, कितना एरिया दे रहा है हाफ बी एच, तो पूरे का डबल करेंगे तो आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि टू और टू कट जाएगा, यही आपका एरिया आ गया। हो गया, क्लियर हो गया? तो क्या पता चला एरिया कैसे निकलेगा के अपोजिट साइड की लेंथ और उनके बीच जो हाइट है उसके मल्टीप्लाई से एरिया आ जाएगा। क्लियर? अब अपोजिट साइड में तो ये भी है, यानी कि अगर इनके लेंथ दे दिए जाए कि ये बी वन है, ऑब्वियसली बी वन ये भी होगा, और फिर इनके बीच का सेपरेशन यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया जाए एच वन, तो फिर एरिया बी वन एच वन के मल्टीप्लाई से भी तो आ जाएगा। क्या ठीक लिखा हो गया? अच्छा अच्छा, वही मैं सोच रहा था। एक बात, ये दो लाइन पैरेलल है तो उनमें यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर एच आ रहा है, एक लाइन यहां ड्रॉ करें तो लेंथ कितना देगा, एच ही देगा ना, यहां भी ड्रॉ करें तो वही देगा। तो कोई मैटर नहीं है कि कॉर्नर से ही स्टार्ट करें, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो इससे तो कोई कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं कि आप यहां से क्यों दिखाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं से दिखा सकते थे क्योंकि कहीं भी ड्रॉ करेंगे वो तो लेंथ से ही आना है। तो अगर मान लिया कि ये वाली साइड की लेंथ बी वन दे रखा है, देन इनके बीच का सेपरेशन एच वन दे रखा है, तो बी वन एच वन के मल्टीप्लाई से भी आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो एक केस तो ये था साइज बताने का कि अपोजिट साइड और हाइट के थ्रू बताया जाएगा। दूसरी बात सुनिए, पैरेललोग्राम का साइज डायगोनल से भी बताया जा सकता है। क्या हो रहा है भाई? पैरेललोग्राम का साइज जो है डायगोनल से भी रिलेटेड होता है, यानी कि डायगोनल से भी बताया जा सकता है और देन एरिया पूछ लेगा। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि क्या दोनों डायगोनल की लेंथ बता दें तो उससे यह क्लियर हो जाएगा कि पैरेललोग्राम कितना बड़ा है। जैसे अगर मैं कह दूं कि एक डायगोनल की लेंथ 10 है और एक 8 है, तो 10 और 8 डायगोनल रहते हुए एक पैरेललोग्राम जरा देखिएगा ये पतला सा ऐसे बन रहा है, लेकिन क्या 10 8 पे यही एक पैरेललोग्राम बनेगा? और कौन सा बन सकता है? यही बनेगा। नहीं, मैंने तो सिर्फ डायगोनल की लेंथ बताया। मैंने कहा कि एक डायगोनल की लेंथ 10 हो दूसरा 8 हो तो क्या फिक्स हो गया कि पैरेललोग्राम इसी साइज का होगा जो दिखाया हूं? नहीं, अगर डायगोनल थोड़ा रोटेट कर दे तो देखिए उससे थोड़ा चौड़ा पैरेललोग्राम दिख रहा है जिसका एरिया उससे अलग होगा। तो इसका मतलब सिर्फ दो डायगोनल से बात नहीं बनेगी। ये पता है दोनों में फर्क क्या था? एंगल चेंज कर दिए थे। नहीं तो इसका मतलब कि अगर डायगोनल पे बात हो रही होगी तो मान लिया कि एक डायगोनल का लेंथ डी वन दिया है और दूसरे डायगोनल का लेंथ डी टू दिया है, तो मस्ट है उस वक्त एंगल भी बताया जाएगा। सिर्फ डायगोनल नहीं देगा, एंगल भी बताएगा। और देन अब अगर एरिया कहा जाए तो एरिया बनता है हाफ डी वन डी टू साइन थीटा के बराबर। और ये आप प्रूफ करेंगे, लिख लीजिए और रफ में थोड़ा प्रूफ करके दिखाइए कि क्या ये बात मैंने सही कहा कि अगर डायगोनल की लेंथ है और एंगल है तो यही एरिया बनेगा। लिख लीजिए दो लाइन में, पहले नोट कर लीजिए।
हो गया कर लीजिए लिख लीजिए साइड में लिख लीजिए हाँ जी कैसे आया ये तो बता दिया फॉर्मूला आपने भी याद रख कर ही लिया होगा पहले से ही आया कैसे वो मैं पूछ रहा हूँ अरे समझा क्यों रहे लिखिए समझा तो बहुत रहे समझाने के लिए तो लोग स्टेडियम में बैठ करके सचिन तेंदुलकर को भी समझाया करते थे कि अरे ये बाउंसर आया तो ऐसे मारना चाहिए था जितने इन्फॉर्मेशन थे वो डायग्राम में दिखा दिया हूं कि D1 दे रखा है D2 दे रखा है दोनों के बीच एंगल थीटा दिया हुआ है एरिया 2 क्यों D1 मैंने पूरा लेंथ दिया है फुल लेंथ ये पूरा का पूरा यहां तक D1 है पूरी तो एक मिनट ए बी सी डी का एरिया निकालना था मान लिया डायगोनल से इंटरसेक्ट कर रहे थे एम पे तो अभी आपने पढ़ा कि ये जो चार ट्रायंगल बनता है चारों के एरिया सेम होते हैं तो क्या हम ट्रायंगल सी एम बी के एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा एरिया आ जाएगा सी एम बी का एरिया निकाला उसी का 4 टाइम्स कर दें चलिए अब सी एम बी पे बात करते हैं उसमें क्या क्या जानते हैं साइड्स की लेंथ मालूम है तो एक मिनट एरिया होता है हाफ इस साइड लेंथ का मल्टीप्लाई जो कि D1 बाई 2 और दूसरे ये वाली साइड लेंथ कितना D2 बाई 2 इंटू साइन थीटा तो जिसमें ये फोर्स है इसे कट गया तो वही बच गया हाफ D1 D2 साइन थीटा सही है चलिए अब बात सुनिए अभी रुक जाइए अब बाद में नोट करिएगा ये बात हम किसके बारे में कर रहे थे पैरेललोग्राम और पता है कि पैरेललोग्राम एक सिंगल नहीं है सिंगल एक फिगर नहीं है बल्कि एक पैरेललोग्राम एक पूरी फैमिली है और इस फैमिली के ही स्पेशल मेंबर्स हैं आपके रेक्टेंगल और फिर स्क्वायर भी एक तरीके से पैरेललोग्राम ही है एज वेल एज रोम्बस भी पैरेललोग्राम है ये तीन उसके मेंबर है इनके कुछ स्पेशल केसेज होते हैं अब जाहिर है कि जब ये तीनों पैरेललोग्राम कहा गया तो वो सारे के सारे फीचर्स जो आपने चार पांच पॉइंट लिखा था वो सब तो इनमें भी लगेंगे कौन से पॉइंट्स थे अपोजिट साइड की लेंथ सेम होना अपोजिट एंगल सेम होना एक डायगोनल ड्रॉ करें तो दो कॉन्ग्रुएंट एंगल में बांटेगा दोनों डायगोनल ड्रॉ करें तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा चार इक्वल एरिया में बांटेगा वो सारी बातें तो लगेगी हाँ इसमें एक्स्ट्रा बात यह है सुनिए कि एक रेक्टेंगल ए बी सी डी ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है कि जिसमें कंसेक्यूटिव साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए डी जो कि एक जनरल पैरेललोग्राम में नहीं होता था वहां एंगल कुछ भी हो सकता था जब वही परपेंडिकुलर बन जाए तो वो रेक्टेंगल कहलाता है और जिस पैरेललोग्राम में भी कंसेक्यूटिव साइड्स परपेंडिकुलर हो जाए उनके डायगोनल की लेंथ सेम होगी यानी कि ए सी और बी डी बराबर रहेगा बात सुने हैं अरे सुने हैं yes, क्या क्या बोला हूं कि जिस पैरेललोग्राम में भी कंसेक्यूटिव साइड्स परपेंडिकुलर हो गई तो वहां पे डायगोनल की लेंथ सेम रहेगा तो ये एक एक्स्ट्रा बात आ गई इसमें कि इसके दोनों डायगोनल की लेंथ हमेशा सेम रहेगा चलिए दूसरी बात के पैरेललोग्राम है तो अगर इसके एरिया की बात करें तो कंसेप्ट तो वही लगेंगे कि जैसे अपोजिट साइड और हाइट का मल्टीप्लाई कर दें तो मान लिया कि अपोजिट साइड में ये एल है ऑब्वियसली ये भी एल रहेगा ये हाइट निकालेंगे बी तो एरिया एल इंटू बी से आ जाएगा तो कोई नई बात नहीं है यहां बताया गया था ना कि अपोजिट साइड और हाइट का मल्टीप्लाई वही इसमें भी कर देंगे हो गया क्लियर स्क्वायर में क्या खास बात है कि स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है जिसमें फिर से कंसेक्यूटिव साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं यानी कि अगेन ए बी के परपेंडिकुलर ए डी है
और क्या बताया गया कि अगर कंसेक्यूटिव साइड परपेंडिकुलर हुए तो डायगोनल का लेंथ सेम होगा, यानी कि एसी और बीडी बराबर होंगे। हर पैरेललोग्राम में डायगोनल लेंथ सेम नहीं होता था। कब होगा डायगोनल लेंथ सेम? जब कंसेक्यूटिव साइड परपेंडिकुलर हो, लाइक रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो वहां पर डायगोनल की लेंथ सेम होगी। हो गया क्लियर? दूसरी बात, इसमें एक खास बात यह भी है कि ए बी के बराबर ए डी है, यानी कि इन कंसेक्यूटिव साइड्स की लेंथ भी सेम है, और जिसमें भी कंसेक्यूटिव साइड की लेंथ सेम हो जाए वहां पे डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। यानी कि अब यहां पे डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन जाएंगे। सिर्फ यह दो बात बताई गई, अगर कंसेक्यूटिव साइड की कंसेक्यूटिव साइड परपेंडिकुलर है तब डायगोनल का लेंथ सेम होगा, और कंसेक्यूटिव साइड की लेंथ अगर सेम है तो डायगोनल परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां दोनों ही बातें थी, डायगोनल का लेंथ भी सेम होगा और परपेंडिकुलर भी होगा। देन अब इसके एरिया की बात करें तो चूंकि पैरेललोग्राम है कंसेप्ट वही लगेगा, क्या क्या अपोजिट साइड और हाइट का मल्टीप्लाई कर दें। मान लें कि ये एल है, ऑब्वियसली ये भी एल होगा, इसका लेंथ भी सेम कहा गया तो एल ही होगा, तो अपोजिट साइड और हाइट का मल्टीप्लाई करिए एल स्क्वायर। या अगर हम डायगोनल के थ्रू चलें तो मान ले कि ये डायगोनल की लेंथ डी है तो ये वाली लेंथ ये भी डी रहेगा। भाई बात तो हो गई ना कि दोनों इक्वल होंगे। अब डायगोनल लेंथ पता चल गया, एंगल 90 दिया ही है, लगा दीजिए इसमें फॉर्मूला हाफ डी इंटू साइन 90। कितना बना भाई? हाफ डी स्क्वायर। भाई साइन 90 वन होता है, नहीं समझ रहे? उस कंसेप्ट से चले तो क्या बताया गया था कि हाफ दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई और बीच में जो एंगल है उसका साइन, तो साइन 91 होता है, और ये दोनों वैल्यूज डी और डी है तो कितना हो गया? हाफ डी स्क्वायर। हो गया क्लियर? खास बात क्या थी ये समझ में आया इसमें? क्या कि डायगोनल की लेंथ भी सेम है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है। वजह यहां पर लिखा हुआ है कि कब परपेंडिकुलर होंगे और कब लेंथ सेम होगा। क्लियर? अब सुनिए, रोम्बस की बात करें तो रोम्बस भी एक ऐसा पैरेललोग्राम है कि जिसमें फिर कंसेक्यूटिव साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। सही है? इसमें और उसे फर्क क्या है? हाँ, कि सिर्फ लेंथ सेम होता है, यहां पे ये परपेंडिकुलर नहीं है, यानी कि लेंथ भी सेम हो परपेंडिकुलर भी हो जाए तब तो वो स्क्वायर बन जाएगा, अदरवाइज लेंथ सेम है तो वो रोम्बस। तो ए बी सी डी में चूंकि फिर से ए बी के बराबर ए डी है तो इसका मतलब क्या हुआ? कंसेक्यूटिव साइड सेम है तो क्या मतलब कि डायगोनल यहां भी परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि एक डायगोनल की लेंथ मान लिया d1, ऑब्वियसली दूसरे का लेंथ अलग होगा लेकिन रहेंगे दोनों परपेंडिकुलर। तो यहां पे AC के परपेंडिकुलर में BD रहेगा। देन इसका एरिया करें तो वही आपका कंसेप्ट पैरेललोग्राम वाला ही, क्या होगा? हाफ डी वन डी टू और साइन 90, साइन 91 होता है तो हाफ डी वन डी टू हो जाएगा। हो गया क्लियर? तो इसका था पैरेललोग्राम के साथ साथ रेक्टेंगल या स्क्वायर या रोम्बस, सब चूंकि उसी फैमिली के थे सबके बारे में हम समझ में आ गया कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है या एरिया कैसे कैलकुलेट होगा। तो लिख लीजिए इसको, वो क्या लिख लिए? चलिए जो लोग लिख लिए हैं, एक छोटा सवाल इधर लिख रहा हूं मैं, एट मीटर एंड फाइव मीटर, एट मीटर एंड फाइव मीटर एंड दे आर इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, फाइंड द एरिया।
आराम से कर लीजिए, एक बार गलती होने के बाद दोबारा चांस नहीं मिलता, एग्जाम में नहीं मिलेगा क्या? गलत है। हाँ एरिया पूछ रहा है, एरिया हाँ जी दिखाइए। हाँ नहीं कितना आया? 20। ऐसा करिए आप मिला लीजिए इधर, कंसेक्यूटिव साइड 8 ये दे रखा है, ये 5 दे रखा है, अब ये सर 8 ये भी होगा 5 ये भी होगा। लेकिन हमने जो एरिया के लिए कंसेप्ट पढ़ा था वो पढ़ा था कि बेस यानी कि एक साइड और हाइट का मल्टीप्लाई। तो अगर ये साइड माने तो हमें जरूरत तो है इस हाइट की, एच की जरूरत है, वो तो दिया नहीं है। तो यहां एंगल दे रखा है कि ये 30 डिग्री का है, और जानते हैं कि ये लाइन परपेंडिकुलर में ड्रॉ हुई है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका साइड जानते हैं। ये साइड क्या है भाई राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूज। तो ये पता है और एंगल मालूम है तो ये तो आप निकाल सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 कितना हुआ? हाफ। तो इससे ले जाइए तो एच की वैल्यू कितना हो गया? 5/2। और एरिया के लिए हमने पढ़ा था कि बेस और हाइट का मल्टीप्लाई, अरे यही पढ़ा था ना, कितना हो गया? 20 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया 20। सही है। लिखे एक और आसान सवाल, if one diagonal of a rhombus whose perimeter 40 meter is 8 meter then find the area। फोर्टी क्या है भाई? 40 क्या दे रखा है? 40 perimeter दे रखा है, और 8 क्या है? एक diagonal। एक मिनट, rhombus है जिसमें एक diagonal का length 8 दे रखा है और इसका पेरीमीटर दे रखा है 40 मीटर। अब एरिया के लिए पेरीमीटर की तो जरूरत ही नहीं, एरिया के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है भाई? एरिया, रोम्बस का एरिया डायगोनल। क्या पढ़ा था? एरिया हाफ d1 d2 पढ़ा था। तो जिसमें एक डायगोनल d1 तो दे रखा है 8 मीटर, और जाहिर है कि d2 की भी वैल्यू बता देता तो आपको भी बुरा लगता कि भाई ये सवाल क्या पूछ रखा है, तो वो ना दे करके पेरीमीटर दिया हुआ है। अब पेरीमीटर का क्या यूज करें भाई? साइड निकल जाएगा, क्योंकि अगर रोम्बस है मान लीजिए साइड ए है तो ऑब्वियसली ये सारी साइड्स की लेंथ ए रहेगी, और पेरीमीटर बाउंड्री लेंथ होता है। 4a को 40 से इक्वेट किया, ए की वैल्यू 10 मीटर, यानी कि ये साइड आपको पता चल गया कि ये 10 मीटर का है। अरे सही है,
लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है इस डायगोनल D2 की जरूरत है। क्लियर? अब D2 कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए आप प्रॉपर्टीज रिकॉल करिए। क्या आपने पढ़ा था कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब कि यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, नहीं? और ये भी पढ़ा था कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब कि पूरे को अगर D2 माना है तो ये लेंथ हो जाएगा D2 अपॉन 2 के बराबर, और फुल लेंथ ये 8 था तो इसका मतलब कि ये वाला पार्ट 4 मीटर का हो जाएगा और ये 10 मीटर का दे ही रखा है, तो इसका मतलब कि ये साइड हम निकाल सकते हैं। कितना होगा भाई, डी टू बाई टू की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर और माइनस का 4 स्क्वायर, यानी कि 100 माइनस 16 कितना हुआ 84 ना, यानी के 2√21। अरे सही है, ये काय की वैल्यू आई, D2 बाई 2 की वैल्यू है। अरे समझ में आ रहा है कि बाकी जो प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब कि अगर पूरा 8 था तो ये हो गया 4, साइड लेंथ पता चल गया 10, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, ये आपका थर्ड साइड यानी कि D2 बाई 2 बता देगा। 84 हो रहा है, 84 का रूट निकाल दिया, इससे D2 की वैल्यू कितना हो गया 4√21। अब D2 मिल गया, D1 ऑलरेडी दे रखा था, D1 और D2 उठाइए और इसमें रख दीजिए, तो ये हो गया हाफ D2 की वैल्यू 4√21, तो जिससे हो गया 16√21 मीटर स्क्वायर, ये आपके let G be any point on EF, then area of triangle AGB is equal to ABCD एक रेक्टेंगल दे रखा है और कह रहा है कि EF आर मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AD, E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड AD, G बी एनी पॉइंट ऑन द EF, G EF पे कोई भी एक पॉइंट है, तो कह रहा है कि ट्रायंगल AGB का एरिया रेक्टेंगल ABCD के एरिया के रेस्पेक्ट में कितना होगा। रेक्टेंगल है, ये नंबर
क्या था ठीक है कैसा क्या 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 नहीं ये बात गलत है ना ठीक है आपने मान लिया वो आंसर चलिए एक मिसकंसेप्शन पहले दूर कर लें जैसा अभी एक स्टूडेंट ने ये बताया कि भाई रेक्टेंगल अगर है तो ये डायगोनल ड्रॉ करें तो एंगल यहाँ पे कितना होगा क्यों रेक्टेंगल है ये डायगोनल ड्रॉ किया एंगल 45 डिग्री है सबको पता है अरे सबको पता है क्या सबको पता है तो सबको पता है तो काट लीजिएगा 45 डिग्री होता है नहीं मैं कहाँ पूछ रहा हूँ मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ अरे मैं थोड़ी कर रहा हूँ रेक्टेंगल में अगर कोई ये सोच रहा है कि एक डायगोनल ड्रॉ करें यहाँ का एंगल 45 होगा तो वो गलत है हाँ बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है वो डिपेंड करता है कि साइड्स के रेशियो कैसे हैं थोड़ी अकल लगा लीजिए खुद चलिए एक रेक्टेंगल ये वाला देखिएगा अब इसके डायगोनल ड्रॉ करें एक मिनट लगभग लग रहा है कि इसी लाइन से चिपके हुए जा रहा है क्या लग रहा है कि ये एंगल 45 और ये भी उतना ही दिख रहा है क्या ये तो हार्डली एक दो डिग्री दिख रहा है या 88-89 डिग्री दिख रहा है तो स्क्वायर में ऐसा होता है कि स्क्वायर में डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करता है ये अगर स्क्वायर हो तो वहां पे डायगोनल इन एंगल को बाइसेक्ट करता है या फिर रोम्बस हो तो रोम्बस में भी यहां पे जो डायगोनल ड्रॉ करेंगे वो इन एंगल्स को बाइसेक्ट करता है लेकिन रेक्टेंगल में ये नहीं होता है तो अगर किसी के जहन में ये अगर मिसकंसेप्शन था तो वो दूर कर लीजिए कि जब कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल रहते हैं वहां पे डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी वो तो उन्होंने कहा मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं कहीं ऐसा ना भी सोच रहा हूं क्लियर हो गया वो पॉइंट चलिए यहां पे कह रहा है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है ये जिसमें कह रहा है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ई इज द सॉरी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी पता है कि जब इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इनफैक्ट ये लाइन इनके पैरेलल्स में रहेगी रहेगी अब कह रहा है कि ई एफ पे कहीं एक पॉइंट लिया गया है जी कहां पे लिया गया है ई एफ में कहां कहीं का भी वो मैटर नहीं है कि आप मिड में जाए या कहीं भी जाए एक जनरल पॉइंट ये जी लिया गया अब इससे एक ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल के एरिया के बारे में पूछ रहा है कि रेक्टेंगल के एरिया के रेस्पेक्ट में कितना होगा तो अगर हम बात करें सुनिए ट्रायंगल ए बी जी की बात करें ट्रायंगल ए बी जी सही है तो ये तो पढ़ा ही होगा कि भाई एरिया हाफ बेस इंटू हाइट तो हाफ ए बी और हाइट का मतलब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें मान लिया एम पे पड़ा तो जी एम के बराबर अरे सही है क्या ए बी और हाइट कितना है जी एम नेक्स्ट अगर हम देखें तो ए बी
और क्या जीएम लेंथ ईबी के बराबर है क्या? अभी डिस्कशन हुआ कि दो पैरेलल लाइन के बीच में आप परपेंडिकुलर कहीं भी मेजर करें वो तो इक्वल ही आएगा, तो जितना जीएम है उतना ही ईबी होगा, ये भी क्लियर है। और ईबी की वैल्यू डीसी का हाफ है क्या, क्योंकि मिड पॉइंट जरा रखा है। तो इस तरह से इस हाफ हाफ को अलग करिए तो 1/4 ए बी इंटू बी सी। अब बताइए भाई ए बी बी सी के मल्टीप्लाई से क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी ही तो आएगा, और उसका 1/4 यही तो आपका ट्रायंगल ए बी जी का एरिया है, तो दैट इज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी। फिर समझाइए, यही समझा दूं, सुनिए ये तो मिड पॉइंट्स थे, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो साइड्स के पैरेलल में ही आएगा, आएगा मिड पॉइंट पे कहीं भी जी लेकर के ट्रायंगल बनाना था, तो ट्रायंगल ए जी बी का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट लगा रहे हैं, तो बेस ए बी है, हाइट जीएम है, हाफ ए बी इंटू जीएम, ठीक है। अब जीएम कह सकते हैं कि ईबी के ही बराबर है, तो हाफ ए बी इंटू ईबी कह सकते हैं ना, जीएम ए बी के बराबर, और ईबी की बात करें तो क्या वो सीबी का आधा नहीं है, बीसी का आधा, तो हाफ बीसी बाई टू हो गया। अब ये 1/2, 1/2, 1/4 को अलग कर लिया, बच क्या रहा है ए बी इंटू बीसी, और ए बी बीसी के मल्टीप्लाई से क्या आता है, तो ट्रायंगल ए बी सी डी का एरिया आ जाता है, रेक्टेंगल ए बी सी डी का, तो 1/4 ऑफ ए बी सी डी का एरिया है। क्लियर? सवाल पढ़ रहा हूं, सुन लीजिए। कह रहा है कि इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अलोंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, अ बॉय टुक शॉर्टकट अलोंग डायगोनल। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अलोंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, अ बॉय टुक शॉर्टकट अलोंग डायगोनल एंड ही सेव्ड हाफ द डिस्टेंस ऑफ लॉन्गर साइड, देन फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स। साइड्स का रेशियो क्या होगा ये पूछ रहा है, आराम से कर लीजिए, जल्दी मुझे नहीं है और आपको भी नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से इसी बात पे पिछली क्लास में मैंने लास्ट के 10-15 मिनट तक लेक्चर दिया था कि आपको मैथमेटिक्स सीखना है, और ये अगर आपका टारगेट है कि जो टेस्ट में आए और उसको क्रैक करें तो उसके लिए मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा, और सीखने का तरीका होता है कि आराम आराम से सब्र रख के आप क्वेश्चंस करें। नहीं तो एक तरीका हुआ कि भाई हाँ बता दिया 2:3 हुआ तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर दूसरा देखा जाएगा, तो उससे फिर कभी आप सीख नहीं पाएंगे। तो आराम से आप करिए, और उस दिन बताया भी था कि आपको बहुत ज्यादा, जैसे मोस्टली जो बच्चे गलती करते हैं वो सोचते हैं कि भाई कहा एक चैप्टर है और उसमें हम 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन कर लेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, और इस वजह से जल्दी जल्दी में 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन कर लें, एनसीईआरटी भी कर लें, आरडी शर्मा भी कर लें, पैकेज मिला वो भी कर लें, तो ऐसा नहीं है। वो मैंने सीधे से बहुत क्लियर अल्फाज में कहा था कि 100 क्वेश्चन से कभी भी चैप्टर की क्लियरिटी नहीं आएगी, आप 20 क्वेश्चन ढंग से करें खुद समझ के तो फिर वो ज्यादा बेहतर है,
जल्दी जल्दी में 100 क्वेश्चन कर लेने से, जिससे कुछ लर्निंग आपको कुछ हासिल नहीं हो। तो हर एक पॉइंट को रिकॉल कर करके, जो वहां पे आप जो फिगर बनाए, अगर ट्रायंगल की बात हो रही है तो ट्रायंगल के बारे में सारी चीजें सोच करके, रिकॉल करके, आप खुद से कंसेप्ट रिकॉल करिए और देन कैलकुलेशंस करिए। तो एक दिन में आप 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करें खुद से, वो बेहतर है बजाय 50-30-40 क्वेश्चन करने से। खैर, अभी सवाल मैं हिंदी में समझा रहा हूं, भाई सुन लीजिए। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल के 2 एडजेसेंट साइड पे चलने के बजाय एक लड़के ने शॉर्टकट में डायगोनल के लॉन्ग चला। जैसे रेक्टेंगल के 2 एडजेसेंट साइड पे चलने का क्या मतलब है भाई? डायगोनली अपोजिट पहुंचना चाह रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां से स्टार्ट करके 2 एडजेसेंट साइड पे, चाहे वो उधर से चले या इधर से, अल्टीमेटली पहुंचेगा कहां? डायगोनली अपोजिट में, सही है। तो डायगोनल अपोजिट पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो लॉन्ग रूट है कि जो साइड्स के लॉन्ग चले, और एक शॉर्टकट है कि डायगोनल के लॉन्ग चल दे। तो कह रहा है कि शॉर्टकट में वो जब डायगोनल पे चलता है तो लॉन्गर साइड की हाफ डिस्टेंस की बचत हो जाएगी। अगर शॉर्टकट में वो डायगोनल पे चल जाए तो लॉन्गर साइड की हाफ डिस्टेंस की सेविंग हो रही है। तो साइड्स का रेशियो क्या है, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर? कि 2 एडजेसेंट साइड पे चलने के बजाय शॉर्टकट में डायगोनल पे चले तो उस वक्त कुछ डिस्टेंस की बचत हो रही है, वो कितना है? तो लॉन्गर साइड का हाफ, उतना बच जा रहा है। तो वही कह रहा है कि साइड्स का रेशियो बताइए किसका कैसे। अरे दिखाइए तो आंसर, सही बोले या गलत बोले उससे तो फर्क नहीं पड़ता, आप दिखाइए हुआ कैसे। एक्स और क्यों, ऐसा क्यों? पहले ही आपने 1:2 ले लिया है, वो तो साइड्स का रेशियो पूछ रहा है ना, तो आपने तो 1:2 का तो पहले ही ले लिया, जबकि वो अभी पूछ रहा है। पता नहीं आंसर दिखाई कैसे है। ठीक है, डिस्टेंस का बचत कैसे निकालेंगे भाई? डिस्टेंस का बचत कैसे निकालेंगे, वो सवाल को छोड़िए। अगर मैं कहता हूं कि भाई क्या अगर एक लंबे रास्ते से चल रहा हूं और वो नहीं, डिस्प्लेसमेंट का ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट की क्यों बात कर रहे हैं? सुनिए, मैं कह रहा हूं कि एक लंबे रास्ते से चल रहा हूं, यहां पे पड़ रहा है 20 मीटर, और एक छोटे रास्ते से चल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि सीधे ही गया, डिस्प्लेसमेंट की बात क्यों आ रही है? छोटे रूट से चलूं तो मैं इसमें कह रहा हूं कि ये 5 मीटर की सेविंग है, या चलिए 15 मीटर हो रहा है मान लिया। अब पूछूं कि सेविंग कितने की हो रही है, तो उनके लॉन्गर और शॉर्टर के डिफरेंस से ही तो सेविंग आएगी ना। अरे ठीक है कि नहीं? ये नहीं कहा गया कि हाँ जो हम दूसरे से जा रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए। सीधे से मैं कह रहा हूं कि दो, सुनिए, कि 2 रास्ते से जा रहे हैं, डिस्टेंसेज अलग अलग पड़ रहे हैं, तो उनमें सेविंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? कि लॉन्गर में से शॉर्टर को माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वही सेविंग कहलाएगा। गलत बोल दिया क्या? नहीं। फिर सुनिए क्या बोला हूं मैं, कह रहा हूं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यहां पे जा रहा हूं, एक लंबा रूट है 20 मीटर पड़ रहा है, और एक थोड़ा उससे छोटा रूट है जो कि 15 मीटर पड़ रहा है। अब इसमें मैं पूछूं सेविंग कितनी हुई, तो लॉन्गर रूट में से शॉर्टर वाले को माइनस करके ही उनका डिफरेंस ही ना सेविंग होता है। चलिए, ये बात तो क्लियर है। अब सवाल पे बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, हाँ जी, एक रेक्टेंगल है, इसकी साइड्स लेंथ मान लिया कि एक एक्स है और ये वाली लेंथ को वाई मान लिया, सही है। सवाल क्या था कि एक बच्चे को यहां से इस जगह पहुंचना था, वहां पहुंचने के 2 रास्ते हैं, कौन से? एक तो दोनों साइड्स के लॉन्ग, साइड्स के लॉन्ग जाएगा ऑब्वियस है कि वो लॉन्ग रूट होगा, और चलना कितना पड़ेगा? x प्लस वाई, है ना। अरे ठीक है, शॉर्ट रूट यह है कि जब वो डायगोनल के लॉन्ग चले, बताइए जरा कि शॉर्ट रूट की लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है? बचा तो अगर अभी छोड़िए, शॉर्टकट में जब जाएगा तो उसको कितना चलना पड़ेगा? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर,
अब कह रहा है कि लॉन्ग रूट के बजाय जब शॉर्ट रूट पे जाता है तो उसकी बचत हो रही है कितनी भाई, x by 2, यानी कि लॉन्गर साइड के हाफ की बचत हो रही है। ये तो सवाल में दे रखा ना, आप ही ने बताया कि भाई ये बचत कैलकुलेट होता है कि लॉन्ग रूट में से शॉर्ट रूट के डिफरेंस है। इसका मतलब कि x प्लस वाई में से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर किए करेंगे वही x by 2 के बराबर होगा। चेक कर लीजिए लॉन्ग रूट में कितना चलना पड़ रहा था x प्लस वाई, और शॉर्ट रूट में कितना चलना पड़ेगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कह रहा है कि दोनों के इसमें मतलब कि शॉर्ट रूट में जाता है तो सेविंग x बाई टू की हो रही है, और सेविंग कैसे निकलता है कि लॉन्ग रूट में से शॉर्ट रूट का डिफरेंस करेंगे वही सेविंग देगा, यानी वही x बाई टू के बराबर होगा। तो अब एक्स वाई में इक्वेशन आ गया, इसी से सॉल्व करिए, एक्स वाई निकालिए, एक्स वाई निकल जाए या रेशियो निकल जाए। अब आगे कैलकुलेशन कैसे करें, तो इतना समझ में आ रहा होगा कि भाई रूट वाले को उस साइड में कर दें और इसको इधर ले आ दें, क्योंकि सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट तो हटाना पड़ेगा और हटेगा तभी जब आप स्क्वायरिंग करें। तो तरीका यही होता है कि जिस पे रूट चढ़ा हुआ है उसको एक तरफ करके तब स्क्वायरिंग करिएगा। अरे सही है, तो एक्स प्लस वाई में से एक्स बाई टू ले आके माइनस करेंगे और ये राइट साइड में ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जाहिर है एक्स में से एक्स बाई टू वाला ही घटेगा, कितना हो गया एक्स बाई टू प्लस वाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कर दीजिए रूट हटाने के लिए, तो इधर ए प्लस बी स्क्वायर से क्या आएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी। अरे सही है, और राइट साइड स्क्वायरिंग किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बाई फोर को इसके साथ ले जाके माइनस करिए तो इधर कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, और ये कट के कितना हो गया एक्स वाई, माइनस होने पे कितना देगा भाई थ्री एक्स स्क्वायर, तो जिसमें एक एक्स भी कट गया। क्या पूछा था साइड्स का रेशियो, यानी कि वाई बाई एक्स या एक्स बाई वाई कुछ भी कह लीजिए, तो वाई बाई एक्स की वैल्यू कितना हो गया थ्री बाई फोर, यानी कि साइड्स का रेशियो थ्री इज टू फोर का है। सही है, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्किल ऑफ रेडियस आर। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं होगा तो आपका जो होगा वो बताइए ना। आर, एक मिनट लिख रहा हूँ, आर स्क्वायर आपका है, किसका आ रहा है आर स्क्वायर बाई फोर। ऐसा करिए, कर लीजिए, मैं देख लूंगा आगे। फोर आर स्क्वायर बाई फाइव, आर स्क्वायर बाई टू कैसे दिखा दीजिए भाई, सब लोग दिखा दीजिए। क्यों, कहीं याद करके आए थे क्या? अच्छा करा था, उसी वक्त समझ लिए होते। नहीं, इससे बड़ा बनेगा वो, आपने लॉन्गेस्ट बनाया ही नहीं है। हाँ,
हाँ, तो वो आपने गलत बनाया ना, उससे बड़ा बन सकता है। अब पता चला कि आप छोटा सा बना के उसका एरिया दिखा देंगे तो कैसे सही है। कितना नहीं क्या, चलिए एक मिनट इधर देखिए। एक सेमी सर्किल है, कह रहा है कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा स्क्वायर बन सकता है उसका एरिया, तो स्क्वायर तो ये भी बन जाएगा जो कि ऑब्वियसली लार्जेस्ट नहीं है। क्यों क्यों क्योंकि बढ़ने का स्कोप अभी दिख रहा है, जब तक इधर स्पेस दिखेगा इसका मतलब बढ़ सकता है। तो जो लार्जेस्ट होगा वो बेसिकली उसका कॉर्नर इसको स्ट्राइक कर रहा होगा, जब कॉर्नर स्ट्राइक कर जाए तो उससे बड़ा आप नहीं कर सकते, यही होगा ना। यानी जो भी लार्जेस्ट स्क्वायर बनेगा उसके कॉर्नर इसके बाउंड्री पे होंगे। तो अगर मान ले कि इसकी साइड एक्स है तो ऑब्वियस है कि एरिया एक्स स्क्वायर से आ जाएगा। हाँ, लेकिन एक्स में तो आप आंसर देंगे नहीं, आपको आंसर देना है इसके रेडियस के अकॉर्डिंग आर के टर्म में। अब वही एक्स कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ आर। तो अगर ये एक्स है ऑब्वियस है ये भी एक्स रहा होगा, ये भी एक्स ही रहा होगा, ये भी एक्स रहा होगा, है कि नहीं भाई। स्क्वायर है तो सारे साइड तो एक्स ही रहेंगे। और एक बात आप जानते होंगे कि सर्किल में वो सारे कॉर्ड जिनका लेंथ सेम होता है उनका सेंटर से डिस्टेंस भी सेम होता है। सर्किल में अगर कॉर्ड्स की लेंथ सेम है तो सेंटर से डिस्टेंस भी सेम है, और सर्किल का ही आधा पोर्शन काट दिया गया है। सेमी सर्किल में भी ये बात सही है। अब अगर हम देखें कि ये पैरेलल लाइन यानी कि एक्स लेंथ का है और उतने ही लेंथ का ये भी, तो जाहिर है कि सेंटर से जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस इधर ये होगा। नहीं क्लियर हुआ कि अगर इक्वल लेंथ के कॉर्ड है तो सेंटर से डिस्टेंसेस सेम होते हैं। मैंने कहा कि सर्किल को ही तो आधा काटा गया है, तो जितने डिस्टेंस पे ये होगा सेंटर से इधर, सेम उतने ही डिस्टेंस पे इधर की तरफ ये होगा। बताइएगा ये लेंथ कितना है, टोटल लेंथ कितना माना था एक्स, और पता चला कि हाफ इधर होना है हाफ इधर होना है, इसका मतलब कि ये डिस्टेंस कितना हो गया एक्स बाई टू, और इधर की तरफ भी एक्स बाई टू, है कि नहीं। अब सेंटर से अगर इस कॉर्नर को ज्वाइन करें